हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो आपका माई सीनिया की कला चल रहा था। माई सीनिया की कला में मैंने आप लोग को उसके पार्ट्स बता दिए थे कि उसको तीन भागों में बांटा गया है। तो अभी हम माई सीनिया की कला का जो बाकी रह गया था वो देखते हैं, माई सीनिया की कला। देन हम फिर दूसरी कला स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि इसमें जो माइसिनिया की कला में जो दीवार बनाते थे वो लोग विशाल पत्थरों से टेढ़ी मेढ़ी बनाते थे, और यूनानियों का विश्वास था कि ये जो है दीवारें जो है वो एक आँख वाले जो यहाँ पे दैत्य प्रजाति होती थी उन्होंने बनवाई है, और जिसे साइक्लोपस कहा जाता था और उनकी रचना को साइक्लोपियन कहते थे। इन पर स्वर्ण व रजत ताम्र की जड़ाई भी करते थे। इसी प्रकार राज की समाधि में स्वर्ण के मुखौटे प्राप्त हुए हैं और मिनोन से मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। तो आपका मध्य युग था, मिडिल एज। तो मध्य युग में मैंने इस युग में देखिए क्या बताया था। इस युग में माइसिनिया की कला में हेलेडिक तथा मिनोन तत्वों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इसमें जो हेलेडिक और मिनोन इन दोनों का समन्वय, मतलब साथ साथ इसमें दोनों का प्रयोग हुआ इनकी कलाओं में। और इस समय के जो चित्रकला के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। किसमें? मध्य युग में। इस समय माइसिनिया राजनीतिक शक्तिशाली व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरने लग गया था। वस्तुतः यह युग संक्रमण काल कहा जाता है, जबकि क्रीट का प्रभुत्व एजियन द्वीपों से समाप्त होने लगता था तथा माइसिनियन की एजियन जाति क्रीट पेलोपोनेसस आदि प्रदेशों की ओर बढ़ रही थी। तो आपने माइसिनिया के पहले क्रीट की कला पढ़ी थी, और इसमें जो है इस युग में संक्रमण काल कहा जाता है मध्य युग में, और यहाँ पे एजियन द्वीपों से जो क्रीट का प्रभुत्व था वो ख़त्म होने लग गया था, और माइसिनिया की एजियन जाति क्रीट में पेलोपोनेस की इधर इन्हीं प्रदेशों की ओर बढ़ने लग गई थी। तो लास्ट था आपका अंतिम युग 1450 ईसा पूर्व में लगभग क्रीट आधिपत्य के पश्चात। क्रीट में तो सांस्कृतिक विकास का विराम ही लग गया, किंतु क्रीट के कलाकारों को लेकर माइसिनिया में राजप्रसाद की चित्र सज्जा व्यापक रूप से करवाई गई थी। तो जो क्रीट के चित्रकार थे उन्होंने माइसिनिया में भी काम किया था, जो इनके राजप्रसाद थे उनमें सज्जा का काम किया था। और ये जो माइसिनिया का दुर्ग है वो 1600 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य तक पुनः निर्मित और नवनिर्मित होता रहा। यहाँ पे जो प्रवेश द्वार है इनके आकार अनुपात एवं निर्माण टेक्निक के कारण प्राचीन हित्ती दुर्ग के लॉयंस गेट का स्मरण कराते हैं। तो हित्ती जाति आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं आपने मिस्र की सभ्यता में भी, तो जो हित्तियों का दुर्ग था उसको लॉयंस गेट कहते थे, तो उसकी याद दिलाता है यहाँ पर माइसिनिया का जो दुर्ग बना है उसका। इसका जो द्वार होता था उसका स्थापत्य मूलतः स्तंभों पर आधारित होता था। इस मेहराब में दो सिंह 9 फीट ऊंचे हैं। संभवतः इसके जो सिर हैं वो बाद में ताम्र और स्वर्ण के बना के लगा देते थे, जब पत्थर का क्षेत्र बन जाता था उसी में बांध देते थे। माइसिनिया में 1600 ईसा पूर्व ही राजाओं राजकुमारों ने समाधि गृह बनवाना प्रारंभ किया था, जिन्हें बिहाइव टॉम्ब कहा जाता है। ये गोले होते थे। तो ये जो समाधि ग्रह थे, जैसे पहले बताया आपको पिरामिड और मस्तबा, वैसे टाइप का ही इधर बिहाइव टॉम्ब बनवाने लगे थे, ये गोल होते थे। तो यहाँ पे राजा और राजकुमारों द्वारा ये समाधि ग्रह बनवाए जाने लग गए थे। तो यूनान से प्राप्त ऐसे सैकड़ों समाधि ग्रहों से 9 माइसिनिया में मिले हैं। तो जो ये समाधि ग्रह राजा और राजकुमार उस टाइम पर बनाते थे, तो ऐसे सैकड़ों जो है इस टाइप के एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं, लेकिन 9 जो है वो माइसिनिया में मिले हुए हैं। और इसमें जो सर्वाधिक आकर दर्शक है उसको ट्रेजरी ऑफ ऑट्रस कहते थे। तो यह माइसिनिया के प्राचीन दुर्ग के समीप ही सर्वोच्च स्थल पर बनाया गया, यह भी साइक्लोपियन रचना का सर्वाधिक आकर्षण उदाहरण माना जाता है। तो जो आपका ये सबसे आकर्षण समाधि ग्रह था ट्रेजरी ऑफ ऑट्रस, ये जो है सबसे अच्छा माना गया है, इसको भी साइक्लोपियन की रचना कहा गया है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे ट्रेजरी ऑफ ऑट्रस का माइसिनिया का ये बनाया गया था। ये मैंने आपके साथ यहाँ पे पिक्चर शेयर की है। तो अब आगे देखते हैं। इसका दोनों ओर से घिरा गलियारा 120 फुट लंबा और 20 फीट
चौड़ा होता है तथा ऊपर से खुला हुआ होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें गलियारा है और 20 फुट लंबा और चौड़ा है और ऊपर से ये खुला हुआ होता था। मूल रूप से यह दीवार 34 फीट ऊंची होती थी तथा 18 फीट ऊंचा मिनोन शैली के हरे पत्थर से बने स्तंभों व तांबों से अलंकरण युक्त था, जिससे मुख्य समाधि कक्ष में प्रवेश किया जाता था। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सज्जा की जाती थी ताम्र से, तो और इसका जो एंट्री गेट होता था यहाँ पे ये सज्जा करते थे और ऊपर से ये खुला हुआ होता था। तो इसके ऊपर एक कैप स्टोन लगा था जो इस समय की यंत्र कला की अद्भुत तकनीक का प्रमाण है। उत्तरी सभी राजप्रसादों की भित्ति को वृषभ, युद्ध, पवित्र स्थल, जुलूस, आखेट, स्त्री पुरुष आदि विषयों से अलंकृत किया गया था। एक जुलूस दृश्य में भी सभी मानव आकृतियां पशु मुखौटा लगाए हुए हैं। तो जो यहाँ पे राजप्रसाद बनते थे और उनकी भित्तियों पर जो चित्रण होता था उनके विषय थे वृषभ, युद्ध, पवित्र स्थल, जुलूस, आखेट और स्त्री पुरुष। इन विषयों पर ये अलंकरण करते थे और यहाँ पे एक जुलूस दृश्य बनाया गया है। इसमें जो मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं वो मानव आकृतियाँ पशु मुखौटा लगाए हुए हैं, पशुओं वाला मुखौटा लगाए हुए हैं। जब इस समय माइसिनिया की हेलेटिक सभ्यता चरमोत्कर्ष पर थी तभी एशिया माइनर में इसका ट्रॉय में भी छठे नगर का चरमोत्कर्ष था। तो इस समय माइसिनिया की हेलेटिक सभ्यता, हेलेटिक जाति जो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हेलेटिक सभ्यता यहाँ पे चरमोत्कर्ष पे थी, उसका विकास हो रहा था, तभी एशिया माइनर में इसी के समकक्ष क्या था, ट्रॉय में भी छठे नगर का चरमोत्कर्ष हो रहा था। ट्रॉय के युद्ध के 80 वर्ष पश्चात अर्थात 1104 ईसा पूर्व हेराक्लिट के नेतृत्व में यूनानी भाषा उत्तरी क्षेत्र की एक शक्तिशाली जाति डोरियन ने दक्षिणी यूनान को अधिकृत कर लिया था। तो जो ट्रॉय जगह का नाम है यहाँ पे, तो एशिया माइनर में, तो ट्रॉय के युद्ध के 80 वर्ष के बाद, जब ये ट्रॉय थे यहाँ पे, तो उसके 80 वर्ष के बाद 1104 ईसा में क्या हुआ, हेराक्लिड के नेतृत्व में यूनानी भाषा उत्तरी क्षेत्र की एक शक्तिशाली जाति कौन सी थी, डोरियन, इन्होंने क्या किया, दक्षिणी यूनान को अधिकृत कर लिया, जीत लिया। डोरियन जाति के बारे में इससे पहले भी आप लोग को मैं बता चुकी हूँ। तो आधुनिक इतिहासकार इस जाति के आगमन को आक्रमण कहते हैं, किंतु यूनानी में इसे हेराक्लिड के वंशज कहा जाता है। तो ये जो डोरियन हैं, तो इसको इतिहासकार जो है वो कहते हैं कि इन्हीं के आने से ही आक्रमण होते थे, लेकिन यूनान में इसे हेराक्लिड के वंशज कहा जाता है। जो हेराक्लिड के नेतृत्व में आपने ऊपर पढ़ा शक्तिशाली जाति थे, तो वही कह रहे हैं कि इन्हीं के वंशज ही हैं डोरियन। इसी समय एजियन प्रदेश में लौह युग का सूत्रपात भी होता है। इसी समय यूनानी मिनोन हेलेटिक सांस्कृतिक के कुछ तत्वों को भुला बैठे थे तथा कुछ आत्मसात कर चुके थे। तो जो एजियन प्रदेश है उसको क्या, लौह युग कहा जाता है, और लौह युग का सूत्रपात भी इसी समय होता है। और इस समय जो है यूनानी जो मिनोन है, मिनोन भी जगह का नाम है, और हेलेटिक संस्कृति जो है उसने जो है कुछ तत्वों को ये दोनों भुला बैठे, जो इनमें आपसी मतभेद होते रहते थे, है ना, तो और कुछ जो है वो आत्मसात कर चुके थे। तो यह जाति व सांस्कृति सामिश्रण ही कालांतर में यूनान की महान शास्त्रीय सभ्यता का आधारशील बनी। तो ये दोनों संस्कृतियों का जो मिश्रण है, जो मिनोन और हेलेटिक संस्कृतियों का मिश्रण है, वही आगे जाके यूनान की महान शास्त्रीय सभ्यता का आधार बनी। तो इससे यूनान की जो सभ्यता है उसका विकास होता है। तो आपका माइसिनिया की कला यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी आपको माइसिनिया की मैं 2-3 वीडियोस भेज चुकी हूँ, तो आप लोग पूरा माइसिनिया पढ़ के जो चीज़ें माइसिनिया से रिलेटेड आपको नहीं समझ में आ रही हों, तो वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर मैसेज पे या फिर जूम मीटिंग पे। और ये जो चित्र भी आपको बताए हैं, तो आप वो जो है चित्र के एग्जांपल भी छोटे छोटे आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम याद रहें। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।